शौहर ने अपनी बीवी को पागल करार देने के लिए भेज दिया पागलखाने, लेकिन पुलिस ने किया बेहतरीन कारनामा और एक बेबस माँ को मिलाया अपनी बेटी से। महाराष्ट्र के नए मुंबई एरोली रबाले पुलिस और आइबा फाउंडेशन और सोशल वर्कर बीना सिंह ठाकुर की बेहतरीन कामयाबी और कार्रवाई करते हुए एक बेबस माँ को इसकी बेटी से मिलाया गया। एक लड़की जिसका नाम समित बबीता ठाकुर है, इसे इसके शौहर ने मुसलसल उजियतें पहुंचाते हुए इसे मेंटली टॉर्चर किया और इसे पागल करार देते हुए एक पागलखाने में शरीक करवाया, जिसके बाद लड़की ने किसी तरह अपने आप को इस पागलखाने से बाजियाब करते हुए एरोली के एक आश्रम में आकर रह रही थी। दूसरी जानिब लड़की के वालिदैन अपनी बच्ची को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, जिसके बाद लड़की के सरपरस्तों ने एरोली रबाले पुलिस स्टेशन में आइबा फाउंडेशन की मदद से एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस और आइबा फाउंडेशन के अलावा सोशल वर्कर बीना सिंह ठाकुर ने भी बेहतरीन तरीके से कार्रवाई करते हुए एक मां को उसकी बेटी से मिलाने का बेहतरीन काम किया। तमाम ने मिलकर आश्रम पहुंचकर लड़की से मुलाकात करने के बाद इसे अपने घर ले आए। लड़की ने अपना बयान भी दिया और तमाम तफसीलात भी बताई। इस मौके पर पुलिस के PSI सरिता, कांस्टेबल जैक वार्ड, लैसे कांस्टेबल कोटे का मुकम्मल सपोर्ट रहा। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तफसीलात। पेश है क्राइम रिपोर्टर सना अंसारी और वली उल्ला खान की महाराष्ट्र मुंबई से एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। लेकिन मैं घर का नहीं सोच के मुझे यहाँ पे लेके आके डाल दिया और 6 महीने से आता है मिल के चला जाता है, लेकिन पहले मीरा रोड में रहती थी, 5 या 13 तबियत खराब हुआ तो मेरे मम्मी पापा कांदी वाला लेके आए, कांदी वाली में वहाँ पे, फिर वहाँ से केम गई, फिर केम हॉस्पिटल से मुझे घर पे लेके आए। हाँ, तो मैं घर पे मेरा 6 साल दवाई पानी सब चला। उसके बाद हाँ, 1 साल तक वही इलाज पानी हुआ, तो उसके बाद में ना, उसके बाद में मेरे को बोलता है तुम यही रहोगे, तुम्हारी माँ बाप के पास तुम वही रहोगे। आपके पिताजी का माताजी का नाम क्या है? सीताराम था पापा का नाम। आपके पापा कौन है? ये मेरे पापा ये है, माँ ये है। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम है परमिला देवी। आप ये सरवन था, लेकिन आपके हस्बैंड बोलते आप किसी को नहीं पहचान रहे हो। अभी बोलने लगी ना, हाँ तो कपने लगी है। अरे क्या हुआ? हाँ तो इसके लिए, अरे मेरा हस्बैंड मुझे वो पहले थाना लेके गया, तो थाना गई मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पे दवाई दिलाया, फिर वहाँ पे दिला के दवाई मेरे को बोलता है चलो घर चलते। किस चीज की दवा दिया था आपको? वो मेंटल में गया था, तो मैं बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी मेंटल में। तो वहाँ पे मुझे, वहाँ पे जो लोग थे मतलब काम करने वाले, उन लोग मुझे क्या बोले कि तुम किस तरह हाथ पैर का इलाज करने को लेके आई हूँ, तो बोलता अरे तुम पागल हो क्या, ये मेंटल हॉस्पिटल है, जाओ घर पे। वो जो मतलब जो झाड़ू पोछा करने वाला था वो मुझे बता दिया। तो आपने मेडिसिन वहाँ से आई है? हाँ। तो उसके बाद में ना क्या हुआ बेटा, सर मालूम है मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो घर चलते हैं। मैं बोली ओला बुक करो, ओला से चलते हैं। तो मुझे बोलता है ओला गाड़ी से नहीं जाएंगे, रिक्शे से चलो। मैंने यहाँ चला गया, तो मैं बोली क्या रिक्शे से नहीं जाऊंगी, मेरे को कार बुक करो, कार से घर चलूंगी। उसने किसी तरह रिक्शा
बुक कर लिया और रिक्शा बुक करके कोई भी बहाने से यहाँ आ गया और यहाँ आ गया तो यहाँ पे वो जो काम करने रहते हैं ना झाड़ू पोछा वाली वो बाहर गई खटाई से, बोली नहीं होगा मैडम आपको कुछ, आप अंदर चलिए आपको कुछ नहीं होगा। हाँ तो मुझे लेके अंदर आ गए। हाँ तो अंदर लेके आके मुझे वहाँ पे वो काम में डाल दिया। मेरा बीपी हाई चेक करने लगे, मेरा आदमी यहाँ पे करके पैसा पता ही नहीं चलेगा क्या करना। सीरियस है, मैं इतना शर्म से मर रही हूँ कि मेरे बाप को अगर कुछ हो जाएगा तो ये चार भाई बहन है कहाँ है मेरी बहन बड़ी बबीता जी, हमें आपकी फिक्र है कि आपको कुछ अगर यहाँ आजाद आश्रम में आपको कैसा रखा गया है, यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ, मुझे सब इतना जानना है। एक तो आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। आपके साथ अनाथ आश्रम में क्या हुआ, मेरे साथ अनाथ आश्रम साइलेंस रिलैक्स। वो बोल रही है अनाथ आश्रम में उसको अच्छे से रखे, उसका स्टेटमेंट लेने दो सर। आप लोग कानूनी कार्रवाई में, मीडिया की कार्रवाई में बाधा मत डालिए प्लीज। आप लोग कैसा रखे मैडम, ठीक क्या हुआ? वो मैडम जो है बड़ी वाली वो बहुत इज्जत करी, बहुत अच्छी बबीता, अभी तुम रहो, तुम्हारे पति आएंगे जाएंगे, मम्मी पापा भी आएंगे जाएंगे, वो मैडम मेरे से बोली। लेकिन मैं बोली नहीं, पति मेरा यहाँ पे छोड़ता है ना, कोई संडे को आता है और कोई संडे को आता ही नहीं है, दो दो महीना यहाँ एक एक महीना छोड़ देता है, मैं तड़पती हूँ। लेकिन वो बड़ी मैडम जो है ना, वो मेरी माँ के जैसे है, मेरी बहन के जैसे। बड़ी मैडम बोलेंगे तो ये है, हाँ मैं बड़ी मैडम बड़ी कैमरा मैन से कहूँगा फेस उधर भी दिखाइए, आप इधर आइए, बहुत अच्छा किए ये मैडम है, ये इस एनजीओ की बड़ी हेड है। मैडम ना मेरे को बहुत अच्छे से रखती थी, लेकिन मुझे फिर भी मेरे बाप का चिंता आता था कि मेरे पापा बीमार है, अगर मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो चार भाई बहन मुझे बोलेंगे, मेरे भाई लोग बोलेंगे कि अरे बाप रे जी, तेरे कारण दरवाजा नहीं है, बंद रहने दो। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने देखा और सुना कि हम यश कमल अनाथ आश्रम जो है वहाँ से एक बच्ची को लेके आए हैं, उस बच्ची का नाम बबीता सिंह ठाकुर है, उसके पति का नाम सुमित ठाकुर है, और न्यू बॉम्बे रबाला पुलिस स्टेशन अरोवली में जो आता है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ के सभी सीनियर जूनियर अधिकारियों ने पुलिस की पूरी टीम के अच्छे से कॉन्टेक्ट किया है। हमारे पास एक शिकायत आई थी आयबा फाउंडेशन की तरफ से, आयबा फाउंडेशन के लोग हमें कॉल करके यहाँ बुलाए थे, और मशहूर सोशल वर्कर बीना सिंह ठाकुर जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ आइए और कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक माँ जो अपनी बच्ची से जुदा है उससे उसे मिलवाना है, ये बहुत ज़रूरी है, किसी के साथ गलत नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, और पूरी पुलिस की टीम ने यहाँ पर कॉपरेट किया, सहयोग किया। आइए देखते हैं हमारी आज की स्वागत है बेटा, जैसे बोलिए। तो 48 आवर्स में हमने काम किया, आयबा फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे संदेश गांधी पुलिस सेक्रेटरी उनसे बताया, और हमारे पास मैडम वहाँ आए, मैडम जब चार महीने से वहाँ गए थे, गांधी मेरी चौकी ने भी सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो सीट नहीं मिल रहा था, वो स्टैंड नहीं मिल रहा था कि बहन घर पर कैसे आए, माँ को पिताजी है, उनकी बहन है, उनके भाई है, तो बस आज आयबा फाउंडेशन ने लेके आए कि माँ को बेटी से मिलाया, पिता को बेटी से मिलाया, भाई को बहन से मिलाया, और बहन बहन को मिलाया, क्या है उसके हस्बैंड जो है सुमित ठाकुर जी ने अपनी बीवी को ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल किया, अब्यूज किया, ब्लैकमेलिंग किया, उसके बाद हम उनको घर घुमाना है, और उनको दवाई के बहाने खाने पागल खाने मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए, खाने में कुछ दिन रही, उसके बाद
उनको वापिस दवाई के बहाने वापिस उनको यहाँ पे एलो भी लेके आया गया। और जो अपने श्री स्वामी समर्थ के जो आश्रम है आश्रम के जो कमल वहाँ पे हम गए तो गैस कमल ने तो स्टार्टिंग में हम लोग से बहुत झगड़ा किया, बहुत फाइटिंग हुआ। उनको समझाया गया कि आप माँ और बेटी के रिश्ते के बीच में कोई कानून नहीं आ रहा। झगड़ा किस लिए हो रहा था आपका उनके साथ? आइए अब हम आपको मिलवाते हैं आयबा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री गफ्फार शेख साहब। गफ्फार शेख साहब स्वागत है आपका। जिस तरीके से एक माँ आई थी आपके पास रिक्वेस्ट करने के लिए अपनी बेटी को लेके, उसका जो पति है वो टॉर्चर वगैरह करता था, आपने इस पर कार्रवाई किस तरीके से की और कैसे की? इनके माँ बाप मेरे पास में परसों के दिन आए थे और उन्होंने कहा कि इनकी जो लड़की है बबीता सिंह ठाकुर और उसका जो हस्बैंड है सुमित सिंह ठाकुर, इसने बिना बोले लड़की को एक आश्रम में मतलब रखा है और वो बता रहा है कि मतलब वो लड़की है मेंटली पागल, ऐसा बोल के उसको आज 6 महीने से उस आश्रम के अंदर उसने उसके हस्बैंड ने बिना माँ बाप को बताए रखा था। उसके माँ बाप ने हमारे पास में कंप्लेंट किए कि भाई मेरी बच्ची 6 महीने से आज ये आश्रम में, अगर वो पागल नहीं तो सही में भी पागल हो जाएगी। आश्रम का नाम क्या था सर? आश्रम का नाम था देखो यश कमल आश्रम का बोलते हैं, लेकिन उसका सेवा समिति सेवा संस्था है, समझे? स्वामी सेवा समाज सेवा संस्था, आप वो कैसा है उसको यश कमल भी शॉर्टकट में बोलते हैं। और वो ओल्ड एज हाउस भी है और ये बाकी लोग कैसा है वो भी रखा है, मतलब सपोर्ट करी, तो ऐसा कोई भी एंगल से वो लड़की हमको पागल नहीं दिखी। 6 महीने से उस लड़की के ऊपर ऐसा टॉर्चर किया गया है उसके हस्बैंड ने कि उसको सही में मतलब उसको पागल करार करना, लेकिन कैसा हमारा काम है सीनियर सिटीजन को हेल्प करना और उसके माँ बाप जो है जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने हमारे पास में आके रिक्वेस्ट किए परसों के दिन, हमने ये काम 48 आवर्स में पूरा करके हमारी महिला की जो टीम है सना मैडम है बीना सिंह मैडम है ये लोग जाके वहाँ पे मतलब पुलिस स्टेशन से जो भी लीगल कार्रवाई उन्होंने किए और वो लड़की को अपने माँ बाप के हाथ में हैंड ओवर करके दे दिए। और हम चाहते हैं कि ऐसा जो भी ये संस्था जो चला रहे ओल्ड एज हाउस ये बिना मतलब किसी पूछताछ के लोग जो रखते हैं क्या दवाई दे रहे क्या मेंटली टॉर्चर कर रहे इस पे भी सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि माँ बाप जब मिलने जा रहे हैं तो उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब किया था कि उसके हस्बैंड ने मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब ऐसा पैसा खिला रहा है लोगों को कि मतलब जो उसके खुद के सगे माँ बाप उनको मिलने तक वो संस्था वाले मना कर रहे थे। तो सर इसकी तैयारी आपने किस तरीके से की और कैसे प्लानिंग की? तैयारी ऐसी की है कि इन्होंने परसों आके मेरे को बताया कि मतलब ऐसा सा है मतलब करके ये काम करना है हमको, तो हमने क्या करे हमारे संस्था के सामने लेटर बनाए एक संस्था की तरफ से और लेटर हमने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में वहाँ पे बताया हमारे रबाले पुलिस स्टेशन एरोली के अंदर और वहाँ की जो पुलिस के जो PSI सरिता उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया हमारे को और हमने वो लड़की को आज घर पर लेके आ गए। उनके भाई भी बैठे हैं यहाँ पे, मंगता तो उनसे भाई से भी पूछ लो कि आयबा फाउंडेशन ने क्या सपोर्ट किया और हमारे आयबा फाउंडेशन के जो महिला जो है उन्होंने क्या सपोर्ट किए ये सब बताएंगे आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रवण झा। आपकी बहन का क्या नाम है जिसे अभी अभी लेके आए? सुमित बबीता ठाकुर। और मैं आयबा फाउंडेशन में आया, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा से सपोर्ट मिला, 48 घंटे में मेरे को मेरी बहन को लाके दिए। मेरे पिताजी सीनियर सिटीजन, उनका इससे ज़्यादा कष्ट था मेरी बहन से, वो ये सोच लिए उनका भी दूसरा ज़िंदगी था कि ऊपर वाले ने उनको मैंने दबा पानी करके खड़ा किया। फिर सर को मिला, सर ने वीना सिंह हमारे सना मैडम और महिला लोग थी आज हमारे सर आप सब लोगों ने हम लोग को वाला पुलिस स्टेशन और हमको चौकी बहुत अच्छा हैंडल किया और ये हमारे को संस्था ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि आज मेरी बहन आ गई, आज मेरे पापा का भी तबीयत पानी। ये मियां बीवी का झगड़ा किस लिए चलता था और क्यों चलता था, इसके पीछे का राज क्या है? सर ये इसके पीछे का जब से ब्रांड हैमेज हुआ ना तब से उसको क्या यहाँ पे वहाँ से रूम खाली किया, प्रॉपर्टी का मामला था वहाँ से रूम खाली किया, बोला यहाँ पे हो जा, तो मेरी बहन बोली चल भाई फ्लैट का भाड़ा है, बच्ची इधर होलीफ्रेंड में पढ़ती थी तो वो हिसाब से यहाँ आया, तो उसका 2 दिन उपास रखी, ब्रांड
हेमेज हो गया। उसके बाद भी वो नहीं आया उस रात में, तो मैं ही ले जाके उसको शताब्दी दौड़ा सर, फिर वहाँ से लिख के दिया। तो ये बाजू के हॉस्पिटल में आया तो इन्होंने 10 लाख रुपया मांगा था और लिख के बोला कि दो, मैं इसका जवाबदारी नहीं लूँगा। तो हम लोग ने डायरेक्ट कैम्प किए, वहाँ से हम लोग को ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। आज आप लोग भी गए थे, मेरी बहन बबीता ठाकुर पागल लगी क्या लगी आपने देख के आए सब, मीना सिंह सना मैडम सर का फुल सपोर्ट। जय हिंद जय भारत। चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय हिंद जय महाराष्ट्र। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकदिया आसान अकसात पर, नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स, ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041।